जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम लोहरसी के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 11वीं के एक छात्र ने स्कूल से अपना टीसी निकलवाने के बाद अपने एक दोस्त के साथ मिलकर विद्यालय के प्राचार्य की हाथ मुक्के बेल्ट और डंडे से पिटाई कर दी। विद्यालय में मौजूद शिक्षकों द्वारा छात्र को समझाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन दोनों छात्र पुरानी रंजिश में अपनी मर्यादा भूलकर अपने ही स्कूल के प्राचार्य की पिटाई कर रहे थे। दरअसल प्राचार्य की पिटाई करने वाले कक्षा 11वीं के छात्र ने 24 मार्च 2022 को सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में लगे हुए नल को तोड़ दिया था, जिसको लेकर विद्यालय के प्राचार्य ने उस छात्र की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद छात्र और उनके परिजनों ने प्राचार्य के खिलाफ 25 मार्च 2022 को शिवरी नारायण थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब मामला न्यायालय में चल रहा है। इसी रंजिश को लेकर छात्र ने पहले स्कूल से अपना टीसी निकलवाया और उसके बाद अपने एक साथी के साथ मिलकर प्राचार्य की पिटाई कर दी। सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य ने दोनों छात्रों के खिलाफ शिवरी नारायण थाने में FIR दर्ज करवा दी। जी, मैं पारेश्वर कुमार पटेल सरस्वती शिशु मंदिर लोहरसी में व्याख्याता गणित के पद में हूँ और साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग भी करता हूँ। तो उस समय लगभग 4:15 का समय था और वहाँ क्लास से आकर के मैं कंप्यूटर को संभाल रहा था। साथ ही हम पितेश था मेरे साथ में और आचार्य जी भी बैठे थे। तो घटना यह हुई कि उन लोग टीसी के बहाने आए क्लास में। संदीप कश्यप और तनीष ये दोनों टीसी के लेने के लिए आए, कार्यालय में आए और कार्यालय प्रमुख लेखापाल राम कुमार पटेल सर से उन्होंने टीसी प्राप्त किया। उसके बाद वे थोड़ा सा बाहर चले गए। टीसी में जब देखा कि टीसी ठीक ठाक है, अब तो स्कूल से हम लोग निकल गए। ऐसा करके फिर एक बार कार्यालय आए और आचार्य जी को बोले, प्रिंसिपल सर को, कि चलिए सर, अब थोड़ा सा काम है, एक बात है करके बाहर ले गए। फिर वहाँ से धक्का मुक्की करते हुए कार्यालय में आ गए। मारपीट को देख करके हमने बीच बचाव किया और उनको, संदीप और तनीष को, कार्यालय से बाहर किया। उतने में ही उन लोग नहीं रुके, कुछ समय बाद उन लोग फिर से बेल्ट वगैरह लेकर, डंडे लेकर प्रिंसिपल सर के ऊपर आक्रमण कर दिए। ये पूरी घटनाक्रम को हमने बीच बचाव किया। फिर कुछ समय बाद बाहर में लोग तोड़फोड़ भी करने लगे, बाइक वगैरह को तोड़ने लगे। ये पूरी घटनाक्रम यही है सर। मैं ईश्वरी प्रसाद कश्यप, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर लोहरसी खरौद। अब पिछले बार 24 मार्च को मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, बच्चों को डंडे से मारने के नाम से। वो बच्चे का, उनका गैंग है 10 लोगों का, इस कारण से वो लोग उपद्रव करते थे, अनुशासनहीनता बहुत करते थे, धमकाते थे। और आज कल की स्थिति में टीसी मांगने के लिए आया था संदीप कुमार, पिता रोहित कुमार, और एक उनका साथी तनीष कुमार, पिता रोहित कुमार, और ये लोग टीसी मांग रहे थे। टीसी तनीष को दिया, उनको दिया गया। संदीप को एप्लीकेशन दिया था, टीसी में उसका चरित्र अच्छा लिखा गया। फिर वो लोग प्लानिंग करके आए थे, डंडा लेकर के आए थे और मेरे को प्रेम से बाहर निकालने को बोला, ऑफिस से चलिए आचार्य जी, बाहर में काम है करके। और मैं गया तो लोग बेल्ट निकाल करके मारना प्रारंभ कर दिए। तो मैं पलट करके देखा, मेरे कपड़े को खींच के उधर लाने की कोशिश किए वो लोग। फिर उनका बेल्ट को मैं रोका, दोनों हाथों से रोका, मेरे हाथों में चोट है। मेरे आचार्य जी लोग भी रोकने का प्रयास किए, उनको भी धक्का दे करके वे लोग बार बार आ करके ऑफिस में ढकेले हैं। टेबल गिर गया था, मेरे को भी चोट लगी है, पैर में, पीठ में, सिर के पास, गले के पास। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि ये नाबालिग बच्चे इस प्रकार के हरकत करेंगे, नाबालिग बच्चे पुलिस पर, सेना पर पथराव करते हैं, यही बढ़ करके आतंकवादी बनते हैं। अगर इनको छोड़ा जाएगा तो ये कल किसी की हत्या कर देंगे, बड़े बड़े अपराध को ये लोग अंजाम देंगे। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर, इनको सुधार गृह भेज करके इनको ऐसी सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कोई भी बच्चा इस प्रकार की संस्था में गतिविधि करने का प्रयास न करें, ताकि शिक्षक लोग भी सुरक्षित रहें और व्यवस्थित विद्यालय चल सके, और गांव में भी किसी प्रकार का बदनामी उनके माता पिता को ना हो और बच्चे का भी भविष्य न बिगड़े। यही मेरा आग्रह है, किसी भी विद्यालय में ऐसे अनुशासनहीन बच्चे को प्रवेश के देने के पहले सोचना चाहिए, उनका पिछला करेक्टर को जरूर याद करना चाहिए। जो मैं गलती किया, इनको उतना मोहब्बत भी नहीं करना चाहिए ऐसे अपराधी बच्चों के साथ, कड़ाई से पेश आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। जिस प्रकार से बच्चे नाथ के ऊपर हमला किया, जी, इस मामले को लेकर क्या आपने, हाँ जी जी जी,
सरपंच महोदय ने थाने में फ़ोन किया, मैं बताया यहाँ से फ़ोन में, मैं तो कमरे में बंद हो गया था बचाने के लिए अपने आप को। तो थानेदार साहब लोग आए गाड़ी में, उनके आधे तक बच्चे लोग फरार हो गए थे। उसके बाद जो पुलिस वाले दल आए उन लोगों ने बोले कि आप थाने में FIR करवा दीजिए। हम लोग गए, सरपंच महोदय भी गए थे और अपने समिति के सदस्य लोग भी गए थे। सर वहाँ FIR दर्ज किए और बोले हैं उनको कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर करके, और कलेक्टर महोदय के पास भी इनके शिकायत करने की सलाह दिए हैं।